अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं जुलेखा अरफात, जुलेखास किचन से। मैं भी अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। काफी दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि चलो बेकिंग करते हैं। काफी दिनों बाद सोचा ओवन को भी तो इस्तेमाल करूँ, रखा ऐसे। तो आज मैंने बनाया है एगलेस चॉकलेट बनाना केक। उसमें मैंने वॉलनट्स भी डाले हैं, बढ़िया से मजेदार। अब आपको जो बोलना है ये केक को बोलिए। आप चाहे तो रेजन्स भी डाल सकते हैं, मैंने रेजन्स नहीं डाले, किशमिश। तो चलिए बनाते हैं ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाना। चलिए सबसे पहले 3/4 कप शक्कर डालिए एक ब्लेंडिंग जार के अंदर और 2 केले को छील कर इस तरीके से रफली चॉप करके डालकर इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। ये देखिए एकदम घुल चुकी, शक्कर एकदम घुल चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसे एक बड़े से बर्तन में, बाउल में निकाल लीजिए इस तरीके से, जार के अंदर से बहुत ही अच्छे से इस तरीके से पूरा निकाल लीजिएगा बर्तन के अंदर। और अब डाल दीजिए 1/2 कप वेजिटेबल ऑयल इसके अंदर और 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस और 1 छोटा चम्मच विनेगर। ये सारी चीज डालकर बहुत ही अच्छे से मिक्स कीजिए इस तरीके से, एकदम फेरते जाइए। आपने तब तक मिक्स करना है जब तक ये जो तेल आपको ऊपर दिख रहा है वो दिखना नहीं चाहिए और पूरी तरीके से घुल जाना चाहिए बनाना, मतलब केले और शक्कर के अंदर। चलिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, इसे मैं साइड पर रख देती हूँ। दूसरे प्याले के अंदर छन्नी रखिए इस तरीके से और 1.5 कप मैदा डाल दीजिए। तकरीबन 250 से 260 ग्राम्स होगा, 250 से 260 ग्राम्स मैदा है ये। 1/4 छोटा चम्मच भरकर बेकिंग सोडा लिया है और 1 छोटा चम्मच काट कर मैंने बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और ये 1/4 छोटा चम्मच नमक था। अब 1/2 कप ये कोको पाउडर डाल दीजिए, वैसे मैं 2 बार डाल रही हूँ क्योंकि मेरी ये 1/4 कप वाली है, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर कर इसे है ना पहले तो छान लीजिए। जब अच्छे से आप छान लें, अच्छे से जब आप छान कर प्याले में डाल देते हैं उसके बाद प्याले में भी एक बार मिक्स कर लीजिए सारे इस सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से। जब अच्छे से मिक्स हो जाती है छानने के बाद तो ये जिसमें हमने बनाना और ये सब डाल के रखा है तेल वगैरह, इसमें डाल दीजिए सारी चीज़ों को और कट एंड फोल्ड की मेथड से इसे मिक्स कीजिए। कट एंड फोल्ड का मेथड ये है कि एक ही बाजू आप देख रहे हैं मैं चला रही हूँ और बीच में से इस तरीके से काटना है, तो इसे कट एंड फोल्ड मेथड कहते हैं। जब अच्छे से मिक्स हो जाए और कलर इस तरीके से हो जाए, जरा डार्क होना चालू हो जाए और ये जो हमारा पाउडरी जो हमारा मैदा वगैरह है वो सारा अच्छे से घुल जाए, 1/2 कप पानी डाल दीजिए और बहुत अच्छे से कट एंड फोल्ड के मेथड से इसे मिक्स कीजिए। जब अच्छे से घुल जाए तो 1/4 कप अखरोट कूटा हुआ डाल दीजिए, उसे भी डालकर मिक्स कर लीजिए। अच्छा मुझे हल्का सा टाइट लग रहा है वो इसके लिए क्योंकि मैंने जो मैदा और अपना कोको पाउडर और जो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ये सारा जो लिया था वो मैंने भर भर के डाला था, मतलब काट कर नहीं डाला था। इसके लिए मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो मैंने 2-3 टेबल स्पून और ऊपर से डाला। लेकिन अगर आप भर के नहीं डाल रहे हो और काट कर सारी चीज़ें ले रहे हो तो 1/2 कप पानी में हो जाना चाहिए। चलिए अब ये सारा मिक्स हो चुका है, अब यहाँ साइड पर है ना एक बेक करने की डिश को ग्रीस कीजिए वेजिटेबल तेल से और चारों ओर अच्छे से लगा दीजिए। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक बटर पेपर लगा लेती हूँ काट कर उसकी साइज़ का नीचे बेस के ऊपर और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये जो सारा हमारा ये मिक्सचर है ये पूरा डाल दीजिए इसके ऊपर और बहुत अच्छे से चारों ओर फैला दीजिए इस तरीके से। फैलाने के बाद एक बार डैप कर लीजिए इस तरीके से और उसके बाद थोड़े से चोको चिप्स ऊपर से डाल दीजिए और वॉलनट्स यानी कि अखरोट भी ऊपर से डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो सिर्फ चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं और वॉलनट को स्किप कर सकते हैं ऊपर डालने में, बट मैं दोनों ही डाल रही हूँ, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ये दोनों डालकर ऊपर खाने में। अब प्री हीट ओवन के अंदर बेक करने रख दीजिए। वैसे प्री हीट मतलब 10 मिनट के लिए मैंने ओवन को गर्म किया था 180 डिग्रीज पे, गर्म हो गया तो ये बैटर डाल देती हूँ और अब टाइमिंग रख रही हूँ 30 से 35 मिनट्स के दरमियान। और ये जो बीच वाला जो सेक्शन है ना ये मोड का है, तो मतलब दोनों जो ऊपर और नीचे का जो रॉड होगा दोनों जलेगा और सबसे ऊपर वाला है 180 डिग्रीज का है वो सेंटीग्रेड का, तो वो 180 डिग्रीज पे रखा है मैंने, तो 30-35 मिनट के लिए उसे मैं पकने देती हूँ। तो ये देखिए अच्छे खासा पक रहा है ना अपना केक। अच्छा मैंने बेक करने ओवन में रख दिया, आपके पास अगर बेक करने के लिए ओवन नहीं कोई बात नहीं, डरिए मत, आप कढ़ाई में बना लीजिए। अच्छी बड़ी सी कढ़ाई लीजिए, उसे चूल्हा चालू कर दीजिए और स्लो से मीडियम आंच पर वो पतीली रख के उसे ढक कर पहले अच्छे से गर्म कर लीजिए, जैसे हम ओवन गर्म करते हैं, प्री हीटेड ओवन करते हैं ना वैसा, वहां आप पतीली को गर्म कर लीजिए स्लो से मीडियम आंच पर। जब आप 7 से 8 मिनट उसे गर्म कर ले, ढक्कन खोलिए
और कढ़ाई के अंदर ये स्टैंड रख दीजिए। हमारे सबके पास ये स्टैंड होता है, ये स्टैंड रख के वो जो बैटर आपने इसमें डाला है उसके बजाय उसमें डाल दीजिए पतीली के अंदर, और ढक कर कहीं पर भी अगर होल हो निकलने के लिए, वो जो कभी कभी रहते हैं ना हमारे ग्लास वाले ढक्कन रहते हैं उसमें होल, अगर उसमें कुछ डाल दीजिए सो दैट स्टीम बाहर ना आए, उसे ढक कर स्लो से मीडियम आंच पर तकरीबन 30 से 35 मिनट पकने दीजिए। जब 30 35 मिनट हो जाए आप खोलकर चेक कर लीजिए, टूथपिक वाला टेस्ट कर लीजिए, अगर क्लीन आती है टूथपिक मतलब हो चुका है, नहीं आ रही है 30 35 मिनट के बाद क्लीन, तो 3-4 मिनट के लिए और स्लो से मीडियम आंच पर रहने दीजिए कि क्लीन आए 3-4 मिनट के बाद, आप चेक वापस कर लीजिएगा ये टेस्ट करके। अच्छा एक और बात, कढ़ाई में मैंने काफी बार बनाया लेकिन मैंने कभी नमक नहीं डाला है, शायद एक बार ही डाला होगा, उसके बाद मैंने डालना छोड़ दिया। आप चाहें तो नमक डालें, आप चाहें तो ना डालें, उससे भी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको नमक डालने की जरूरत है, इतना नमक उसमें डालें कुछ नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हो। मैं तो डायरेक्टली ये स्टैंड रख देती हूँ 5-7 मिनट गर्म करने के बाद, उसके ऊपर बैटर रखने के बाद उसे ढक कर उसी के अंदर 30-35 मिनट पकने देती हूँ। और मैंने नान खटाई भी इस तरीके से बहुत बार बनाई है, मैंने केक्स भी बहुत बार इसी तरीके से बनाए, तो आप भी उसी तरीके से बना सकते हैं। चलिए 30 से 35 मिनट के दरमियान हो चुका है, मैं खोलकर चेक कर लेती हूँ, मैं लेफ्ट हैंड से निकालूंगी इसको। अच्छा मैं निकाल नहीं रही हूँ, बढ़िया केक लग रहा है, बढ़िया सा। मैं पहले टूथपिक टेस्ट कर लेती हूँ, नहीं क्लीन नहीं आया है, इसका मतलब और 5 मिनट मुझे रखना है, तो और 5 मिनट के लिए रहने देती हूँ। पांच से दस मिनट के दरमियान में रख रही हूँ मैं, बीच में ही है, बाकी कुछ चेंज नहीं किया है मैंने क्योंकि क्लीन नहीं आई थी टूथपिक। ठीक है चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, मैं टूथपिक वाला टेस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए चारों ओर डालकर देखिए एकदम परफेक्टली क्लीन आ रही है, मतलब बढ़िया सी मेरी हो चुकी है। और अब मैं इसे ना पलट देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये पेपर निकाल कर फेंक दीजिए। क्या बढ़िया से देखें आप, कितने परफेक्टली फूला भी है मेरा केक बिना एग डाले हुए, माशाल्लाह। अब इसके पीसेस कर लीजिए, तो ये बन गया हमारा एगलेस चॉकलेट बनाना केक, बढ़िया सा मजेदार सा वॉलनट यानी कि अखरोट और चोको चिप्स डाल के चाय के समय खाएं। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है बिना एक के भी, क्या माशाल्लाह सॉफ्ट बना है, टेस्ट में भी इतना सॉफ्ट मॉइस्ट और गूई लग रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊं, जब आप खुद ही बनाएंगे तो खुद ही उंगलियां चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं और सोचा मेरे ये इसको चखा के देखूं कि इसको कैसा लग रहा है, मेन तो इसको अच्छा लगना चाहिए, तो चलिए ऐसा चखने के लिए रेडी हो जाओ। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चू तो कर पहले, खा तो चूने के बाद अब बता कैसा लगा सबको बता। अच्छा है ना, मस्त है ना, स्कूल में लेके जाएगा ना टिफिन में, चलो गुड। बहुत ही मजेदार, बहुत ही सॉफ्ट है, और बिल्कुल जब एग नहीं डालते तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो ऐसा एकदम गट बनता है और ऐसा सॉफ्ट और स्पॉन्जी नहीं बनता है, बट ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, अच्छा सॉफ्ट भी है स्पॉन्जी भी है, बढ़िया लग रहा है, मजेदार। अब हम तो चाय के साथ इसे एंजॉय करने वाले, क्या बोलता है, क्या बोलता है पार्टनर, बहुत ही मजेदार है। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और हाँ अगर आपको ज्यादा ही अच्छी लगी ये रेसिपी तो लाइक कीजिए, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए हमारे इसके लिंक्स। और हाँ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए भैया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए। और बस फिर मिलती हूँ शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ, अंटिल देन एंजॉय एगलेस चॉकलेट बनाना केक या टी टाइम स्नैक, वॉलनट भी है, या वॉलनट भी है, मस्त है ना।